और चलिए आपको हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं जैक के कार्यालय से, जहां पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंच चुके हैं और चंद मिनट में इंटरमीडिएट के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड अधिविद्य परिषद के 12वीं के नतीजे, इंटरमीडिएट के नतीजे जारी होने जा रहे हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंच चुके हैं जैक के कार्यालय में और 11वीं के आधार पर जो 12वीं का रिजल्ट तैयार किया गया है वो रिजल्ट अब से कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जैक के कार्यालय से ही कि कैसे 12वीं के नतीजे को लेकर जैक के चेयरमैन अरविंद सिंह और साथ में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस अब घोषणा होनी है मंत्री जी की ओर से, इस परिणाम को जारी किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, सीधी तस्वीर जैक के कार्यालय से, जैक के मुख्य ऑफिस से, मुख्यालय से आप कह सकते हैं। और देखिए स्क्रीन में हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही मंत्री जी बटन दबाएंगे नतीजे जारी हो जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इंटरमीडिएट एग्जाम के नतीजे जारी हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से मैट्रिक के नतीजे जारी किए गए हैं, 9वीं क्लास में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ठीक उसी तरीके से 12वीं के नतीजे भी तैयार किए गए हैं। 11वीं में छात्रों के परफॉर्मेंस प्रदर्शन के आधार पर और साथ में जो 20% मार्क हैं वो प्रैक्टिकल से मिलेंगे बच्चों को या फिर इंटरनल असेसमेंट से यदि वो प्रयोग वाले विषय नहीं है, तो 80-20 के फॉर्मूले के तहत ये नतीजे तैयार किए गए और नतीजे मैट्रिक के तो बहुत ही शानदार आ गए, 95.93% के। इंटरमीडिएट में क्या कुछ होता है वो आपसे कुछ मिनट में पहुंच जाएगा। देखिए सारी प्रक्रियाएं शुरू की जा रही हैं, किस तरीके से जैक के चेयरमैन की ओर से मंत्री जगन्नाथ महतो का स्वागत किया गया है और एक प्रोटोकॉल के तहत ये सब कुछ होता है और उसके बाद जो मुख्य चीज़ है यानी कि परीक्षा परिणाम का घोषित किया जाना, उसकी शुरुआत हो जाएगी। कुछ कहने जा रहे हैं जैक के चेयरमैन, वो हम आपको सुना रहे हैं। सम्मानित हमारे उपाध्यक्ष जी, जैक के पदाधिकारी, हमारे सचिव महोदय, संयुक्त सचिव महोदय और इस परीक्षाफल प्रकाशन समारोह के साक्षी के रूप में उपस्थित हमारे आरडीडी साहब, इलुंग साहब और जैक की जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी कार्यकलाप होते हैं उसको जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों और हमारे परिषद के सहकर्मी बंधु, कल हम लोगों ने मैट्रिक का परीक्षा फल प्रकाशित किया था और ये जो परीक्षा फल हुआ था उसको आपने अपने समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण स्थान दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों ने अपने चैनल पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके लिए जैक परिवार आप सबों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है। जैसा कल हमने कहा था कि मैट्रिक की जो परीक्षा का रिजल्ट हुआ है वह क्लास 9 में जो बोर्ड परीक्षा हमने लिया था उसको आधार मानकर और उसके अंक को 80% वेटेज देते हुए और 20% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल का देते हुए हमने रिजल्ट का निर्माण किया था। ठीक उसी प्रकार यहां भी चूंकि क्लास 11 में हम लोगों ने बोर्ड परीक्षा लिया था और मुझे लगता है कि शायद ये अकेला बोर्ड है जिसने बोर्ड परीक्षा लिया था क्लास 11 की भी और वह बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट हमारे काम आ जाया है कि 12 के रिजल्ट के प्रिपरेशन में हम क्लास 11 का जो रिजल्ट हुआ है उसको थ्योरी पोर्शन को 80% उसका वेटेज देते हुए और 20% जो इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल का मार्क्स था उसको देते हुए ये रिजल्ट तैयार किया गया है। रिजल्ट एक नज़र में, ऐसे रिजल्ट का डिटेल आप सबों को उपलब्ध करा दिया जाएगा लेकिन एक नज़र में मैं ये बता दूं कि इंटर विज्ञान
इसमें परीक्षा के लिए जो आवेदन किए थे जिन परीक्षार्थियों ने, उनकी संख्या थी इंटर विज्ञान में 88,145, 88145। इनमें से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 56,445। कहने का मतलब यह कि 64% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 19,927, 19927। तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 218। तो ये इंटर विज्ञान का परीक्षाफल हुआ। परीक्षाफल का प्रतिशत 86.89। इसी प्रकार इंटर वाणिज्य, इसमें जितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन दिया था उन परीक्षार्थियों की संख्या 33,677, 33677, 33677। इनमें प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 19,951, यानी लगभग 59% स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं। सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 9,987, 9987। और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 484, 484। यहाँ पर उत्तीर्णता का प्रतिशत है 90.33% इंटर वाणिज्य में। कला संकाय में, इंटर आर्ट्स में जितने परीक्षार्थी परीक्षा के लिए आवेदन किए थे उनकी संख्या थी 209,234, 209234। इनमें से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या है 52,177, 52177। द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 117,245, 117245। और तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 20,379, 20379। यहां भी उत्तीर्णता का प्रतिशत 90.71%। ये परीक्षाफल हमारा है। जैक ने एक और काम किया है कि जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षाफल से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें अगर कोई शिकायत होगी तो उसके लिए जैक ने एक ग्रीवांस सेल का गठन किया है। उस ग्रीवांस सेल में, ग्रीवांस सेल का नाम है ग्रीवांस सेल जैक 2021 जैक एग्जाम्स @gmail.com। आप इस ग्रीवांस सेल में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और जैक हर संभव प्रयास करेगा कि उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके। इसमें ग्रीवांस सेल में शिकायत दर्ज कराने का समय निर्धारित किया गया है आज से लेकर के और 6 अगस्त तक। जो भी विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक इस परीक्षाफल में उनको अगर किसी तरह की कठिनाई महसूस होगी, किसी तरह की कोई शिकायत होगी, तो इस सेल में अपना दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर, आपके द्वारा रिजल्ट की प्रस्तुति की गई है। अब समय है, माननीय मंत्री महोदय से हमारा अनुरोध होगा कि आज
रिजल्ट को प्रकाशित करने के लिए सर नहीं मौसम कल तो भाषण हम देवे किए, आज का है सुनने से पहले क्योंकि रांची जिले के आरडीडी साहब यहाँ मौजूद है, उन्होंने बहुत सारे चीजों में बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी जो प्लानिंग बनी थी उसमें वो रहे थे। तो हमारा अनुरोध होगा कि वो अपना अनुभव भी इस रिजल्ट के बनाते समय उनके कैसा अनुभव रहा जरूर यहाँ पे शेयर करें। समारोह में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय, झारखंड अद्वित परिषद के अध्यक्ष महोदय, इससे झारखंड अद्वित परिषद के सचिव, झारखंड अद्वित परिषद के तमाम पदाधिकारीगण, कर्मीगण और उपस्थित हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, कल भी मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज भी माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में और इस महत्वपूर्ण परीक्षा फल के प्रकाशन में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। और जिस तरह से एक टीम वर्क के साथ और समयबद्ध तरीके से सभी पदाधिकारियों ने मिल करके इस परीक्षा फल को तैयार करने में अपना सहयोग दिया और झारखंड अधिवित परिषद के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता था उसको अक्षरता जिला में पदस्थापित चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, हम आरडीडी संवर्ग के पदाधिकारी हो, सभी ने इसको समय समय पर मूल्यांकन किया और हर संभव इस अथक प्रयास के कारण से यह कि हम देख पा रहे हैं कि जो मन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो परीक्षा फल का प्रकाशन समय अनुसार किया गया है, यह वास्तव में एक मील का पत्थर साबित भी हुआ है और जो रिजल्ट जो हुआ वो सभी एक हर्षोल्लास के साथ सभी अभिभावक चाहे छात्र जो भी इस परिणाम को देख रहे हैं वो सभी अपने आप में एक इतिहास के भी गवाह, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में ये सभी कामें हुई है। तो मैं अपने पदाधिकारियों की ओर से माननीय मंत्री जी का और जैक के तमाम चेयरमैन, सचिव, उपाध्यक्ष और पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी इस तरह से काम जरूर होते रहेगा माननीय मंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार। और ये झारखंड के जो गुणात्मक शिक्षा का सुधार में एक महत्वपूर्ण रोल जो अदा करता है झारखंड अधिवित परिषद, उसमें आगे भी सफलीभूत होगा, ये तरह की मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद बिलुन जी। हाँ, 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 आपके इस सहयोग और आपकी इस वचन हमको पुनः ऊर्जावान बनाएगा। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा हमें दिशा निर्देश और आशीष। अरे कल तो बोल रहे थे।